अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। 92 kg से 62 kg के इस सफ़र में मैंने एक ही चीज़ सीखी है, वो ये कि अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चाहे फिज़िकल या मेंटल, तो लाइफ का जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा, यानी कि लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और आज के इस एपिसोड में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फैट लॉस। लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, आपके अपने स्पाउस से लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, या फिर कुछ फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, तो क्या डाइट और एक्सरसाइज आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा या इनको डील करना पहले आपके लिए प्रायोरिटी रहेगा? जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो सबसे पहले कोई चीज़ अगर हमें नज़र आती है तो वो आती है खाना, क्योंकि हमें कंफर्ट करता है। तो जब तक आप अपने मेंटल हेल्थ को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे या मेंटल हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक फिजिकल हेल्थ ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? बाय हुक और बाय क्रूक अगर आपने कर भी लिया तो वो वापस आप गेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल हेल्थ को जो कंट्रोल करता है वो करता है आपका मेंटल हेल्थ। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, वही आपकी बॉडी में नज़र आता है। लेकिन आपका मेंटल हेल्थ कहाँ है? आपका मेंटल हेल्थ कंट्रोल करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, टीचर, इन्फ्लुएंसर्स, रिलीजन और ना जाने क्या क्या। अब मेंटल हेल्थ कंट्रोल करता है आपके फिजिकल हेल्थ को, और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं ये सारी चीज़ें, तो फिजिकल हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये सारे लोग, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपका स्पाउस, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रिलीजन, इन्फ्लुएंसर, ये सब आपके फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। थोड़ा सा कुछ बोला और आप चल दिए कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले जो रिमोट कंट्रोल, अपना जो रिमोट कंट्रोल आपने इन लोगों को दे रखा है, वो इनसे वापस लेना पड़ेगा। और वापस लेने के लिए इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को समझेंगे नहीं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, मुझे इंसल्टिंग फील क्यों हो रहा है, जब तक आप इनका बाइफर्केशन नहीं करेंगे, आप इनका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते रहेंगे, अपने मेंटल हेल्थ को। और जब जब मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगा, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अपने फिजिकल सेल्फ को हार्म करना। कैसे हार्म करते हैं? हम एक्स्ट्रा खा के, एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने में जो एनर्जी चाहिए वो तो कहीं और चली गई। डाइट को फॉलो करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो तो है ही नहीं, वो तो कोई और लूट के ले गया। तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने का, और मेंटल हेल्थ पे काम करते ही आपका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट होगा जो आपके बॉडी पे नज़र आएगा अपने आप। फिर आपको उसके लिए मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की शादी है, किसी की एनिवर्सरी है, इसलिए वेट लॉस करना है। नहीं, वो फिर अंदर से आएगा और फिर वो सस्टेन होगा। क्योंकि जब इस तरह से छोटे मोटे हम मोटिवेशन को अपना गोल बना लेते हैं वेट लॉस का, भाई की शादी है, किसी फ्रेंड की शादी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने 20 किलो कम किया लेकिन 25 किलो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि रूट कॉज जो आपका मेंटल हेल्थ है उस पर काम ही नहीं हुआ है। और काम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल बहुत लोगों के हाथ में दे रखा है। जब चाहे वो आपके साथ खेल के चला जाता है, एक छोटा सा बटन दबाएगा, आपका मेंटल हेल्थ इंपैक्ट करेगा, आप अपने फिजिकल हेल्थ को हार्म करेंगे। इसीलिए जो लोग
सिर्फ ओपन रहते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ रहते हैं कि हाँ मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम करूंगी या करूंगा या अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में करूंगा, उनको मैं सलाम कहता हूँ। उनके लिए मैं ये स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की सिर्फ चाहत भर रखने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैंने किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 92 kg से 62 kg और फिर उसके बाद 7 years इस वेट लॉस को मेंटेन करना, इट्स नॉट ईजी, यू नो दैट, एंड दैट इज वाई आई नो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेकिंग कंट्रोल इज नॉट, दैट इज वाई देर इज अ सल्यूट। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में एवरी वीक 2 वीडियो आएंगे, ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। ट्यूजडे को हम मेंटल हेल्थ या लाइफ के उन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट हो जाते हैं, और सैटरडे को इट विल बी ऑल अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, अबाउट डाइट, अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट वेट लॉस एक्सेट्रा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, हमारी लाइफ जैसी भी है, अच्छी या बुरी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे टाइम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, अपने आप को विक्टिम मोड में डालते रहेंगे कि मेरे मेंटल हेल्थ का कारण कोई और है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपका जीन्स अच्छा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम देयर विद यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गिविंग यू सच अमेजिंग कंटेंट जिससे आपका हेल्प होगा अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।